आज का हमारा चैप्टर है द मुस्लिम लीग आईसीएसई बोर्ड क्लास 10th एंड इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस द फैक्टर्स दैट लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग. सो हाउ डिड द मुस्लिम लीग वाज फाउंडेड इसका डिस्कशन होना है. तो फर्स्ट पॉइंट तो ये है कि मुस्लिम लीग मॉडर्न डे फिनोमेना है, मॉडर्न इंडिया का फिनोमेना है. 1857 के बाद, आफ्टर 1857 सिचुएशन देखिए इंडिया की क्या है, उसको आप थोड़ा एनालाइज करिए. अब 1857 के बाद सिचुएशन ये हो गई है कि मुग़ल एम्परर्स ने अपना रूल लूज़ कर दिया है और यूनियन जैक ने पूरे इंडिया को एक कर दिया है. पूरे इंडिया में एक लॉ है, ट्रेन्स चल रही हैं, जो इंग्लिश एजुकेशन है वो ज़्यादातर हिंदूज़ उसकी तरफ इंक्लाइंड हैं. मुस्लिम्स अभी तक नोबेलिटी क्लास में ज़्यादा थे, क्योंकि 1857 में रिवोल्ट में जो ज़्यादा किंग्स हैं, हज़रत महल बेगम एंड बहादुर शाह जफ़र, ये सारे मुस्लिम रूलर्स हैं, तो इनकी नोबेलिटी में भी मुस्लिम्स ज़्यादा थे. तो अभी बहुत समय नहीं हुआ 1857 से जब ये लैंडलॉर्ड्स, ये जमींदार्स, ये नवाब्स, ये मॉडर्न एजुकेशन की तरफ इंक्लाइंड हों. तो मुस्लिम्स आर नॉट इंक्लाइंड टूवर्ड्स ब्रिटिश एजुकेशन एंड ब्रिटिश जॉब्स. और इंटरेस्टिंग बात यह है कि सैयद अहमद खान का रोल अभी हम पढ़ेंगे, और 1857 के रिवोल्ट को लेकर सैयद अहमद खान ने ब्रिटिश गवर्नमेंट को रिस्पॉन्सिबल ठहराया है. तो असबाब बगावत हिंद नाम का उनका जो पेपर है सैयद अहमद खान का, उसमें उन्होंने ये लिखा है कि क्या रीजंस रहे ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से, क्या फॉलोआउट रहे, क्या ड्रॉबैक्स रहे, जिसकी वजह से 1857 का रिवोल्ट, ये फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ. तो सैयद अहमद खान खुद मानते हैं कि इसमें गलती हिंदूस की या मुस्लिम्स की या इंडियंस की नहीं है. 1857 के रिवोल्ट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल ब्रिटिशर्स हैं, ब्रिटिश पॉलिसीज़ हैं. तो असबाब बगावत हिंद ये उनका फेमस पेपर है. और सैयद अहमद खान की बात मैंने इसलिए करी कि इनका जो माइंड है वो कई बार टर्न लेगा. अभी ये ब्रिटिश गवर्नमेंट के एंटी मूड में हैं, और इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे किस तरह इनका मूड चेंज होता है. ये फेवर में आएंगे ब्रिटिश गवर्नमेंट के. तो ये सिचुएशन है. तो 1857 में मुस्लिम्स के मन में क्या फीलिंग है? ये फीलिंग है कि हमारा जो बहादुर शाह जफर का रूल था वो हमसे ले लिया गया. डिसरेस्पेक्टफुली बहादुर शाह जफर को डिथ्रोन कर दिया गया. गलत तरीके से लखनऊ में जो इनाम कमीशन के बाद और अवध के कॉन्क्विस्ट के बाद जो ढेर सारी जो ज़मीनें थीं वो ले ली गई. लेजेंडरी मुग़ल रूल का इस तरह से डिसरेस्पेक्टफुल तरीके से एंड कर दिया गया. तो ये मुस्लिम्स के लिए एक सेंटिमेंटल लॉस था पूरे इंडिया में. तो नेक्स्ट 20 ईयर्स मुस्लिम्स बिल्कुल भी इस तरह से नहीं दिखे. ऑब्जर्वेशन ऐसा नहीं मिलता है कि वो ब्रिटिशर्स के लिए इंक्लाइंड हों. लेकिन नेक्स्ट 20 ईयर में एक नई चीज़ खड़ी होगी कि बहुत सारे हिंदूज़ ने, बहुत सारे हिंदूज़ और जो मुस्लिम्स के अलावा क्लासेस हैं, उन्होंने इंग्लिश एजुकेशन ली और एजुकेशन लेकर जॉब्स क्वालिफाई करी और जॉब्स करी. तो उनकी जो फाइनेंशियल सिचुएशन है वो बेटर हो गई. इंग्लिश पढ़ने के बाद वो सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म की अपनी जो लेगेसी थी उसको भी कैरी कर रहे थे, और साथ में वो इंडिया में रिफॉर्म्स की मांग भी कर रहे थे. तो और कांग्रेस जो थी उसमें ज़्यादातर हिंदूज ही थे. बदरुद्दीन तैयब जी जैसे लोग एक्सेप्शन ही हैं. तो ज़्यादातर बाद में भी इवन मौलाना आज़ाद और रहे हैं लोग कांग्रेस में मुस्लिम्स, लेकिन वो ऐसी पोस्ट पर, पोजीशंस पर दिखाने के लिए थे. जो मुस्लिम मास था वो कांग्रेस से कभी कनेक्टेड नहीं था. तो बेसिकली कांग्रेस जो थी वो अपर मीडियम क्लास की हिंदू पार्टी थी. तो अब 1857 के बाद मुस्लिम्स तो नेगलेक्टेड क्लास हैं और हिंदूज़ अब पॉलिटिकली अवेयर क्लास हैं. तो चैलेंज कहाँ से आ रहा है? चैलेंज हिंदूज़ की तरफ से आ रहा है कि मुस्लिम्स की तरफ से आ रहा है? हिंदूज़ की तरफ से आ रहा है. तो पॉलिटिकल जो आप मेथोडोलॉजी बनाएंगे या पॉलिटिकल जो आप स्कीम बनाएंगे वो किसके अगेंस्ट बनाएंगे? हिंदूज़ के अगेंस्ट बनाएंगे. तो ब्रिटिशर्स का यहाँ क्या स्टैंड है? तो नेक्स्ट 20 ईयर्स तो उनके लिए कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन नेक्स्ट 20 ईयर्स के बाद, 1857 के बाद की मैं बात कर रहा हूँ, तो नेक्स्ट 20 ईयर्स के बाद उनके लिए अब ये जो चैलेंज है वो ये है कि अगेंस्ट द हिंदूज़ वो क्या करें. तो ब्रिटिश पॉलिसी जनरली ऐसी डिवाइड एंड रूल की रही है. कॉमन बात है, किड्स भी जानते हैं ये बात. तो किसको डिवाइड करना है और किसको रूल करना है? इस समय तक जो इंडियन सोसाइटी है उसको ज़रा देखिए, रिलीजियसली पोलराइज्ड है.
हिंदू और इवन सिख भी कह रहे हैं कि हम हिंदू से डिफरेंट हैं और मुस्लिम्स तो डिफरेंट हैं, तो रिलीजियसली पोलराइज्ड है। और इस समय तक ये ज्योतिबा फूले एंड पेरियार ये सारे मूवमेंट जो शुरू हो गए हैं, ये कास्ट वाइज भी पोलराइजेशन शुरू हो गया है। तो कास्ट पोलराइजेशन और रिलीजियस पोलराइजेशन इंडिया में दिख रहा है। तो ये जो कास्ट पोलराइजेशन है और रिलीजियस पोलराइजेशन है, ब्रिटिशर्स फाउंड एन अपॉर्चुनिटी टू यूज़ दिस अगेंस्ट द अपराइजिंग पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस। तो इसको पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस के अगेंस्ट वर्क करने के लिए पूरी ब्रिटिशर्स की एक लॉबी तैयार थी, और इसके एक नहीं हंड्रेड्स ऑफ एग्जाम्पल्स हैं। इंडिया में हिस्ट्री का वर्क तो तब से हो रहा है, ब्रिटिशर्स तब से कर रहे हैं जब से वॉरेन हेस्टिंग्स ने कलकत्ता मदरसा खोला था और एसियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल बनाई गई थी। तो ऐसा नहीं है कि पहली बार हिस्ट्री लिखी जा रही थी इंडिया की, लेकिन अब जो हिस्ट्री लिखी जा रही थी उसका इंटरप्रटेशन कम्युनल था। और ये बात ध्यान रखिएगा, इंडिया के हिस्ट्री में इसके पहले कभी भी कम्युनल राइट नहीं हुए थे, ये पहली बार है। दो काम ब्रिटिश राज में बिल्कुल नए हुए हैं जो कभी भारत के इतिहास में नहीं हुए थे, नंबर वन कम्युनल राइट एंड नंबर टू अकाल। ऐसा कभी इंडिया की हिस्ट्री में नहीं हुआ था, कभी कभार एक्सेप्शनली कुछ हुआ हो तो वो एक रेयर एक्सेप्शन है, नहीं तो जनरली नहीं मिला। लेकिन एक पूरी सीरीज ऑफ राइट्स हमको मिलती है ब्रिटिश, तो ये राइट्स तो कम्युनल राइट्स तो कम्युनलिज्म की बिल्कुल हाइट है। तो बेसिकली इंडियन सोसाइटी किस तरह की है, मुस्लिम सोसाइटी नेग्लेक्टेड है, सोसाइटी में उनकी कोई वॉइस नहीं है, और जो है जो सोसाइटी है वो पोलराइज्ड है रिलीजियसली और कास्टवाइज भी पोलराइज्ड है। और इसमें पोलराइजेशन में कोई किसी का रोल ख़राब नहीं है, क्योंकि ज्योतिबा फुले जो कर रहे हैं अपनी लिमिट्स में जिस कास्ट के लिए कर सकते हैं वो कर रहे हैं, तो इसीलिए वो तो सुपरमैन है, वो तो कर ही रहे हैं। लेकिन उसमें अपॉर्चुनिटी ढूंढ ली ब्रिटिशर्स ने, तो ब्रिटिशर्स ने अपॉर्चुनिटी ढूंढ ली कि वो किस तरीके से एक एजेंडा क्रिएट कर सकते हैं कि इस सोसाइटी को जो पोलराइज सोसाइटी है उसको ब्रेक कर सकते हैं। तो 20 इयर्स के बाद उनको ये समझ में आया, अभी तक जो वो मुस्लिम्स को कहते आ रहे थे कि दे आर नॉट रिलायबल पीपल, उन्होंने 1857 के रिवोल्ट में इस तरह से अगेंस्ट एंटी ब्रिटिश काम किया, और उसके बाद वहाबी मूवमेंट सो पावरफुल मूवमेंट जो कुरान पर बेस्ड था और उसमें सारे के सारे मुस्लिम्स, एक तरह का 1857 का रिएक्शन था जिस तरह से सप्रेस किया गया, तो वहाबी मूवमेंट और 1857 के रिवोल्ट की जो माइंड में चीजें थी ब्रिटिशर्स के, वो अब पॉलिटिकल जो उनकी नीड थी उसके आगे वो सेकेंडरी हो गई। तो अब पॉइंट ये है, नाउ द पॉइंट बिगेन कि ब्रिटिशर्स को क्या करना है। तो इसके लिए उन्हें मुस्लिम सोसाइटी से ही कोई ना कोई चाहिए था, तो जो मुस्लिम सोसाइटीज उन्हें बड़ा प्रोमिनेंट लीडर इसके लिए उनको मिले, और वो थे सैयद अहमद खान। अब सैयद अहमद खान, सर सैयद अहमद खान के बारे में यूं समझ लीजिए कि वो एजुकेशनलिस्ट थे, जैसे हिंदूज़ में हिंदू सोशल रिफॉर्म हो रहे थे वैसे मुस्लिम्स में मुस्लिम सोशल रिफॉर्म वो कर रहे थे। और उनका ये मानना था कि बिना इंग्लिश एजुकेशन के मुस्लिम्स पीछे इसलिए हैं क्योंकि उन्होंने इंग्लिश एजुकेशन नहीं ली है, क्योंकि टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं समझ रहे हैं, वो मॉडर्न एज के जो आइडियल्स हैं वो नहीं समझ रहे हैं, वो जो मॉडर्न जो सोसाइटी है उसको भी नहीं समझ रहे हैं। अभी 1850s में बहुत दिन नहीं हुआ है, गालिब का रुतबा अभी भी जारी है बहुत बहुत तगड़े से। तो इसमें बात ये है कि मुस्लिम्स को ये समझ में आ रहा है कि हमारा अरबिक कल्चर, हमारा उर्दू कल्चर, हमारी जो हिस्टोरिकल लेगेसी है वो बहुत ग्रैंड है, उसके आगे ये फिरंगियों की लैंग्वेज क्या चीज़ होती है, तो उसके आगे ये जो इंग्लिश है और ये टेक्नोलॉजी है और ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है ये सब सेकेंडरी माना गया। और ऐसा हमेशा रहा है, आपको शायद सुनकर फनी भी लगेगा कि जहांगीर के कोर्ट में पुर्तगीज़ प्रिंटिंग प्रेस लेकर गए थे तो जहांगीर ने ये आंसर दिया था कि ये हमारे यहाँ तो इससे अच्छे अच्छे लोग लिखने वाले, सुलेखा के हाथ से लिखने वाले हैं, कैलीग्राफर्स हैं, हमारे तुम्हारे इस प्रेस का मशीन का क्या करेंगे। तो पुर्तगीज़ सेल नहीं कर पाए थे अपनी प्रिंटिंग मशीन जहांगीर को। तो बात ये है कि मुस्लिम्स को अपने कल्चर की जो यूनिकनेस है उस पर बहुत प्राइड था, अभी भी है, लेकिन तब की जो सिचुएशन थी, और सबको अपने कल्चर पर होता है उसमें कोई हैरानी की बात नहीं है, लेकिन यहाँ पर मुस्लिम्स को प्राइड था, तो वो चूंकि सिचुएशन उनके फेवर में नहीं थी ना, अब कोई अकबर का और जहांगीर का पीरियड तो था नहीं, तो सिचुएशन उनके फेवर में नहीं थी, तो अब उन्हें कुछ मिलने वाला नहीं था, केवल प्राइड ही है, क्योंकि जॉब्स तो मिलनी नहीं है, जॉब्स तो तभी मिलेंगी जब एजुकेशन होगी, और बिजनेस आप कर नहीं पाएंगे क्योंकि आपके पास पूंजी ही नहीं, सारी तो ज़मीनें आपकी छीन ली गई हैं, यही रीज़न है कि आपकी इंडस्ट्री भी नहीं है कोई, आप इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाएंगे। आप पूरी लिस्ट लगा के देख लीजिए, जितनी भी स्वदेशी मूवमेंट में इंडस्ट्री खड़ी की एक भी मुस्लिम आपको नेम नहीं मिलेगा, रेयरली कोई मिल जाए तो बात अलग है, जनरली मतलब जहाँ तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है तो नहीं ऐसा है। तो बात यह है इसमें कि
ये जो पीरियड है, इस पीरियड में मुस्लिम क्लास बिल्कुल एक ऐसी क्लास है जो इग्नोर्ड क्लास है। तो अब वो जो 20 साल पुरानी यादें हैं ब्रिटिशर्स, उस बात को भूल चुके हैं। अब उनको मुस्लिम एक पॉलिटिकल मोहरा दिखाई पड़ रहे हैं। सैयद अहमद खान की जो प्रोमिनेंट पर्सनैलिटी है उसका उन्होंने यूज़ किया। सैयद अहमद खान का ऐसा सोचना है, अगेंस्ट द जो मुस्लिम थाट है, वैसे सोच रहे हैं, वो ऐसा सोच रहे हैं कि अगर मुस्लिम एजुकेशन होगी, अगर इंग्लिश एजुकेशन मुस्लिम्स लेंगे, अगर टेक्नोलॉजी को पढ़ेंगे, अगर गर्ल को एजुकेशन दी जाएगी, मुस्लिम गर्ल को, जो बहुत बड़ी बात है, मुस्लिम वुमेन को एजुकेशन दी जाएगी और इंग्लिश की एजुकेशन दी जाएगी। इन सब थॉट्स को लेकर सैयद अहमद खान ने मूवमेंट शुरू किया, अलीगढ़ मूवमेंट। और ये अलीगढ़ एंग्लो ओरिएंटल यूनिवर्सिटी, जो बाद में अभी इस समय अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, इसके जो फाउंडेशन उन्होंने रखा, तो ही वाज अ ग्रेट एजुकेशनलिस्ट, बहुत बड़ा एजुकेशनलिस्ट थे। और मैं इसके पहले आपसे डिस्कस कर चुका हूं कि असबाब बगावत हिंद जो उनका पेपर है, उस पेपर में सैयद अहमद खान ने बाकायदा लिखा है कि 1857 की प्रॉब्लम के लिए ब्रिटिशर्स जिम्मेदार हैं, हम जिम्मेदार नहीं हैं। ये सैयद अहमद खान की लाइंस हैं। तो वो क्रिटिक थे ब्रिटिश गवर्नमेंट के। लेकिन ये जो एंग्लो, चूंकि सैयद अहमद खान तो ये चाह रहे थे ना कि हम इंग्लिश एजुकेशन मुस्लिम्स को प्रोवाइड करें, और इसके लिए मुस्लिम सोसाइटी उनके अगेंस्ट थी, देवबंद से फतवे जारी हो रहे थे, और सैयद अहमद खान को तो कई बार पत्थरों का सामना करना पड़ा। तो इसलिए उन्होंने इंग्लिश का अंग्रेज़ों का सपोर्ट लिया। तो इसीलिए थियोडोर मॉरिसन बैक, जो प्रिंसिपल्स बनाए गए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के, जो एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के, वो सारे के सारे ब्रिटिशर्स, हाई क्लास ब्रिटिशर्स को वहाँ के प्रिंसिपल बनाया गया। और ब्रिटिशर्स इस बात को अच्छी तरह समझते थे कि सैयद अहमद खान का सोसाइटी में बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है, क्योंकि अलीगढ़ जो अलीगढ़ मूवमेंट है वो तो सक्सेसफुल हो गया था। तो इस बात को अच्छी तरह समझते थे कि अगर इनका माइंड हम किसी तरह डाइवर्ट कर दें, इनका माइंड किसी तरह डाइवर्ट कर दें, तो हमारा जो पॉलिटिकल गेन हमको हो जाएगा। तो थियोडोर मॉरिसन बेक, इन्होंने बाकायदा सिस्टमैटिक सैयद अहमद खान का ब्रेन वॉश करना शुरू किया, और इसके पूरे प्रूफ्स हैं, लेटर्स हैं, बुक्स हैं, प्रूफ, ब्रेन वॉश करना शुरू किया कि आप हिस्टोरिकली ये बात जज कर लीजिए कि मुस्लिम ब्रिटिश अलायंस तो हो सकता है, लेकिन हिंदू मुस्लिम अलायंस नहीं हो सकता। उन्होंने सैयद अहमद खान को इस बात के लिए कन्विंस करने में दसियों साल लगा दिए, और सैयद अहमद खान जो इतनी टावरिंग पर्सनालिटी थे, फाइनली इस बात के लिए कन्विंस हो गए कि हिंदू मुस्लिम अलायंस नहीं हो सकता, हिंदू ब्रिटिश अलायंस तो हो सकता है। तो अभी तक जो था एंटी ब्रिटिश थे मुस्लिम, अब वो अलायंस की बात होने लगी। और ये सारा कुछ सैयद अहमद खान का माइंड डाइवर्ट, क्यों? क्योंकि कांग्रेस का मूवमेंट खड़ा हो रहा था, और अब उनको चैलेंज मुस्लिम से था ही नहीं, उनको तो चैलेंज अब हिंदू से था, क्योंकि कांग्रेस को उन्होंने मेजोरिटी ऑफ हिंदूज थी, कांग्रेस का कैरेक्टर सेकुलर था, लेकिन ब्रिटिशर्स ने उसको हिंदू मूवमेंट की तरह प्रोजेक्ट किया, क्योंकि उनको तो यही दिखाना था ना कि ये हिंदू मूवमेंट है, ये नहीं दिखाएंगे तो मुस्लिम उनके साथ कैसे आएंगे। पोलराइजेशन किए बिना पॉलिटिक्स तो सक्सेसफुल होनी नहीं है, ये सब तो आप बात मुझसे बेहतर समझते हैं। तो बेसिकली लॉस ऑफ सोवरेनिटी ऑफ मुगल एम्पायर, उसके बाद सैयद अहमद खान का माइंड डाइवर्ट होना। तो ये जो थियोडोर मॉरिसन और बेक हैं, इन्होंने सैयद अहमद खान का ब्रेन वॉश किया, माइंड टर्न किया, और अगेंस्ट द कांग्रेस एक एसोसिएशन खड़ी करवाई, पेट्रियाटिक एसोसिएशन। और ये जो पेट्रियाटिक एसोसिएशन थी, ये ब्रिटिशर्स के फेवर में थी। तो कंटिन्यूसली ब्रिटिशर्स इस बात के लिए फोर्स कर रहे थे कि मुस्लिम सोसाइटी को ब्रिटिशर्स के साथ आ जाना चाहिए, क्योंकि ब्रिटिशर्स के साथ आ जाएंगे, उनके लिए लॉयल रहेंगे, तो हम आपको जो भी फैसिलिटीज़ हो सकती हैं वो सब प्रोवाइड कराएंगे। और इसका बढ़िया सा एग्जांपल हमको मिलता है कि जो लॉर्ड मेयो ने 1871 में कहा कि जो प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूल्स हैं मुस्लिम्स के लिए, उसमें उर्दू पढ़ाई जाए और इनको कोई ज़रूरत नहीं है इंग्लिश पढ़ने की, ताकि उनका रिलीजियस सेंटीमेंट अपनी जगह पर बना रहे। तो बड़ा बैलेंस करके चले सैयद अहमद खान से के बाय मीन्स ऑफ सैयद अहमद खान वो इंग्लिश पढ़वा रहे हैं, और लॉर्ड मेयो बाय मीन्स ऑफ जो ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम है, जो ये सोच रहा है कि ऐसे तो हमारा रिलीजन पर भी कोई आँच आ सकती है, तो वो उन्होंने 1871 में जो मेयो का रेजोल्यूशन है कि जो मदरसे हैं इनमें और ये प्राइमरी और सेकेंडरी जो स्कूल्स हैं इनमें भी उर्दू को इन्वॉल्व कर दिया जाए। तो देखिए, एक तरफ तो ब्रिटिशर्स की पॉलिसी क्या है, मैकॉले की एजुकेशन को लागू करना, और एक तरफ मुस्लिम्स को पासीफाई करने के लिए वो क्या कहना है, उर्दू पढ़ाइए। तो मुस्लिम जो इंग्लिश है बेसिकली वो पॉलिटिक्स कर रहे हैं, वो सोसाइटी को डिवाइड करने, क्योंकि पॉलिटिशियन ही है तो पॉलिटिक्स ही करेंगे, तो सोसाइटी को डिवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, बेसिकली ये काम किया। तो मेयो का जो रेजोल्यूशन है ना, वो कम्युनलिज्म के फील्ड में बहुत बड़ा स्टेप है, क्योंकि इससे ये समझ में आ गया मुस्लिम्स को कि नहीं, इंग्लिश सच में फेवर में हमारे हैं। तो पहली बात तो ये जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, जो एंग्लो ओरिएंटल मुस्लिम कॉलेज है, इसको हैवी ग्रांट्स मिलना ब्रिटिशर्स से, ब्रिटिशर्स का वहाँ पर नौकरी करना,
सैयद अहमद खान के कॉलेज में, और बड़ी ग्रांट मिलना, और साथ में ये जो मेयो का रेजोल्यूशन है कि जो मुस्लिम्स हैं उनको उर्दू पढ़ाई जाए और उनको ग्रांट दी जाए, गवर्नमेंट की ग्रांट दी जाए, तो सरकारी ग्रांट मिलना ये कोई छोटी बात नहीं थी। तो नौकरी नहीं मिल पा रही तो क्या, ग्रांट तो मिल रही है ना। इस बात से मुस्लिम्स बहुत पेसिफाई हुए, बहुत खुश हुए, और उनको ये दिखाया गया कि देखिए आप आँखें खोल कर देखिए कि अब ये तहजीबुल अखलाक सैयद अहमद खान का जो अखबार है ये इसमें बाकायदा लिख रहे हैं, वो ये दिखाया जा रहा है कि किस तरीके से जो है ये जो हिंदूज का मूवमेंट है ये अगेंस्ट द मुस्लिम्स है। ऐसा नहीं है कि सारे के सारे मुस्लिम्स ब्रिटिशर्स के साथ या सैयद अहमद खान के साथ, ऐसा होता तो बदरुद्दीन तैयब जी कांग्रेस के तीसरे प्रेसिडेंट ना होते। तो मुस्लिम्स जो लर्नड थे वो जा रहे थे, लेकिन जो अलीगढ़ मूवमेंट से जुड़े हुए लोग थे या जो ब्रिटिश या जो अभी इंग्लिश में इलिटरेट थे, मुस्लिम इलिटरेट तो कभी नहीं थे क्योंकि तो उनकी तो गोल्डन एज रही है, वो तो अरबिक और उर्दू और इन सब चीज़ों में बड़े उन्होंने जो है टावरिंग वर्क किए हैं, तो वो इलिटरेट तो हम नहीं कह सकते उनको, लेकिन इंग्लिश के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कह रहा हूँ, इंग्लिश के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर वो इलिटरेट थे, क्योंकि इंग्लिश तो नहीं लर्न करी थी ना उन्होंने भी, तो इंग्लिश के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर वो इलिटरेट थे तो वो सारी चीज़ें जो हैं उसको यूटिलाइज़ किया ब्रिटिशर्स ने, और ये दिखाने के लिए कि ये जो हिंदू मूवमेंट है। और इसी समय आप देखिए दयानंद सरस्वती का आर्य समाज मूवमेंट चला, और आर्य समाज मूवमेंट ने जो शुद्धिकरण का मूवमेंट चलाया है ना उसने माहौल को बहुत हीट करने का काम किया। जो शुद्धिकरण मूवमेंट है दयानंद सरस्वती का, उसमें ये कहा गया कि जो कन्वर्टेड मुस्लिम्स हैं उनको दोबारा हम हिंदुज़म में ले लेंगे। तो अब आप समझ लीजिए, अंदाज़ा लगा लीजिए इससे कितनी फायर क्रिएट हुई होगी। और इसी के बाद 1881 से इंडिया में कम्युनल राइट्स की लाइन लगी हुई है। मैं बिल्कुल नहीं कह रहा कि इसके लिए दयानंद सरस्वती रिस्पॉन्सिबल है, मेरा कोई कमेंट नहीं है, मैं सिर्फ जो बुक्स में लिखा है वो आपको बता रहा हूँ। तो बात इसमें यह है कि पोलराइजेशन था, और पोलराइजेशन में किसी चीज़ ने फायर क्रिएट करी, मैंने सिर्फ ये बात कही। तो और ये दंगे इलाहाबाद से शुरू होते, कानपुर में 1911 में मछली बाज़ार मॉस केस पहला दंगा है। तो अब आप ही समझ लीजिए, अब दंगों की बाढ़ आने वाली है 1880 के बाद से। तो ये जो माहौल है, ये जो माहौल क्रिएट हो रहा है, ये सब माहौल ब्रिटिश पॉलिसी का इसमें एक मेजर रोल है, क्योंकि डिवाइड एंड रूल वो करना चाहते हैं, और साथ में ये सवरॉनिटी का लॉस हो गया है। अब इसमें बात ये है कि प्रूफ भी तो चाहिए होंगे कि हम कैसे मान लें कि हिंदूज हमारे अगेंस्ट हैं। तो ये बढ़िया सा काम किया है जेम्स मिल ने हिस्ट्री को मिस इंटरप्रेट करके अच्छे से लिखा है। उन्होंने अपनी लाइफ पूरी इसी में लगा दी कि हिस्ट्री का मिस इंटरप्रिटेशन कैसे किया जाए। ठीक, तो उन्होंने ये दिखाया कि इंडिया में तीन पीरियड रहे हैं, एक हिंदू पीरियड, एक मुस्लिम पीरियड और एक मॉडर्न इंडिया। उसको उन्होंने क्रिश्चियन पीरियड नहीं कहा, उसको उन्होंने मॉडर्न इंडिया कहा। और जबकि आपको हैरानी होगी कि 1813 के बाद 1813 के बाद इंडिया में मिशनरीज का बहुत ज़्यादा बोलबाला था, और जब तक भारत आज़ाद नहीं हो गया तब तक भी मिशनरीज का रोल कहीं से कम नहीं था इंडिया में, और आज भी मिशनरीज कौन सा चूक रही हैं, जो करना चाहती हैं कर ही रही हैं। तो बात यह है कि हिंदू पीरियड और मुस्लिम पीरियड रहा है, और फिर ये दिखाया कि जो मुस्लिम पीरियड रहा है, जो हिंदू पीरियड रहा है और जो मुस्लिम पीरियड रहा है, दोनों में डिफरेंस है। तो इंडियन हिस्ट्री का रिलीजियस इंटरप्रिटेशन किया गया, और मुस्लिम पीरियड में जैसे विजयनगर किंगडम है तो विजयनगर और बहमनी का जो क्लैश है उसको रिलीजियस क्लैश की तरह दिखाया गया। कॉम्पोजिट कल्चर वाली फीलिंग वो समझते खूब थे, उन्होंने अपनी बुक्स में दिखाया नहीं। जैसे अकबर को एक तरफ अकबर द ग्रेट कहा जा रहा है मुसलमानों को खुश करने के लिए, और दूसरी तरफ ये दिखाया जा रहा है कि महाराणा प्रताप अपने देश के लिए लग रहे हैं, ये सब राइटिंग्स करी, शिवाजी अपने देश के लिए लग रहे हैं। जबकि ये यहाँ पर कोई पॉलिटिकल बात नहीं है, लेकिन हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से भारत उस समय तो एक देश था ही नहीं। क्या महाराणा प्रताप का रूल तो राजस्थान के एक बहुत छोटे से एरिया में था, और शिवाजी का रूल जो है केवल महाराष्ट्र के और दक्कन के कुछ रीजन्स में था। तो आज का जो इंडिया है वो शिवाजी नेशनल किंग तो नहीं थे ना, अगर आज के नेशन के कॉन्सेप्ट से हम उसको देखें तो। तो बात ये है कि उन्होंने ये दिखाया कि जब उनको हिंदूज को प्रोवोक करना था, हिंदूज को भी तो थोड़ा प्रोवोक करना पड़ेगा कि मुस्लिम्स आपके अगेंस्ट है और मुस्लिम्स को प्रोवोक करना है, तो जब उन्हें हिंदूज को प्रोवोक करना था तो ये दिखाया कि अकबर आपको सप्रेस कर रहा है। अकबर द ग्रेट ये स्मिथ ने कहना शुरू किया है, इसके पहले अकबर ग्रेट नहीं थे, स्मिथ ने अकबर को ग्रेट बनाया है अपनी राइटिंग्स के थ्रू। तो इस तरह कोई नहीं जानता था कि अकबर ग्रेट है, स्मिथ ने हमको बताया कि अकबर वॉज अ ग्रेट किंग,
हम जान गए तब से कहते चले आ रहे अकबर महान। तो हाँ, विंसेंट आर्थर स्मिथ, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट हिस्टोरियंस, अरे वो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहते हैं, और समुद्रगुप्त एंशियंट इंडिया का रूलर है और नेपोलियन मॉडर्न इंडिया का है। तो पुराने वाले से नए वाले का कंपैरिजन करेंगे कि नए वाले से पुराने वाले का? तो नेपोलियन को अगर यूरोप का समुद्रगुप्त बोलें तब तो समझ में आती है बात, लेकिन समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहते हैं, मतलब नेपोलियन इज बेटर देन समुद्रगुप्त, ये उनके माइंड में है, रेशियल सुपीरियरिटी तो है ही उनके माइंड में। तो कुल मिलाकर के बात यह है कि स्मिथ हों या आप जेम्स मिल हों, उन्होंने हिंदू पीरियड मुस्लिम पीरियड इस तरह से मिस इंटरप्रटेशन किया हिस्ट्री का, और जब हिस्ट्री का मिस इंटरप्रटेशन किया तो एक कैरेक्टर्स निकल करके आए, शिवाजी एंड रंगा प्रताप, और अकबर और रंगा प्रताप की फ़ाइट रिलीजियस फ़ाइट की तरह दिखाई गई, और शिवाजी और जो औरंगजेब की फ़ाइट है वो रिलीजियस फ़ाइट की तरह दिखाई गई, बंदा बहादुर की और मुगल्स की जो फ़ाइट है वो रिलीजियस फ़ाइट की तरह शो किया गया, जबकि और किसी किसी को नेशनल हीरो बना दिया गया, जबकि ना तो वो रिलीजियस फाइट्स थी ना वो नेशनल हीरो था, वो मिडिवल एज थी, और मिडिवल एज के जो कॉन्सेप्ट हैं वो मॉडर्न एज से बिल्कुल डिफरेंट है, लेकिन हिस्ट्री का मिस इंटरप्रटेशन किया गया, इतिहास का दुरुपयोग किया, आज भी तो किया जा रहा है। फिल्म बनाई गई पद्मिनी, इतना उस पर शोर हुआ फिल्म पद्मिनी पर, रानी पद्मिनी पर, ऐसा बताया गया कि अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली का रूलर था और अलाउद्दीन खिलजी मेवा जो रानी पद्मिनी है उसके रूप पर इतना मोहित हो गया कि दिल्ली की शाही सेना हस्मकल्प लेकर उसने धावा बोल दिया और पद्मिनी ने जौहर कर दिया। और इतिहास क्या कहता है आप हैरान रह जाएंगे सुनकर, अलाउद्दीन खिलजी के साथ एक एक दिन अमीर खुसरो ने अपना बिताया है, और अलाउद्दीन खिलजी की छोटी से छोटी बात कि वो कब बाग में गया और कब उसने खाना खाया ये तक लिखा है, और अलाउद्दीन खिलजी ने अलाउद्दीन खिलजी के किसी भी ग्रंथ में किसी भी जगह पर किसी भी टेक्स्ट में अमीर खुसरो ने यह नहीं लिखा है कि रानी पद्मिनी भी कोई थी या हमला भी किया गया और जौहर भी, इस इवेंट का उल्लेख ही नहीं किया गया है, कुछ है ही नहीं वहां पर, यह हिस्ट्री का एक मिथ है। और उसके 100 साल बाद मलिक मोहम्मद जासी के दिमाग में आया कि पद्मावत लिखा जाए, तो उन्होंने अलाउद्दीन खिलजी का कैरेक्टर लिया और पद्मिनी को कैरेक्टर लिखा और पद्मावत लिख डाला, यह कहानी पद्मावत से ली गई है, यह हिस्टोरिकल है ही नहीं। और पूरे हिंदुस्तान में कैबिनेट मिनिस्टर तक के कमेंट आए थे जब ये फिल्म आई थी, तो आप समझ लीजिए हिस्ट्री कैसे मिसइंटरप्रेट करी जाती है, कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग कैन हैपन, कुछ भी हो सकता है, मिसइंटरप्रिटेशन ऑफ द हिस्ट्री। जो इतिहास के जानकार हैं वो मेरी इस बात को समझ रहे होंगे कि पद्मिनी का जो ओरिजिन है वो पद्मावत है, और पद्मावत का जो पीरियड है वो अलाउद्दीन खिलजी के बाद का है, और उसके अलावा कहीं पद्मिनी की जानकारी नहीं मिलती है। तो ये मैंने आपको एग्जाम्पल दिया कि हिस्ट्री मिसइंटरप्रेट कैसे करी जाती है, तो इसका मिस इंटरप्रिटेशन किया गया, और मिस इंटरप्रिटेशन करके ये दिखा दिया गया कि हिंदू पीरियड और मुस्लिम पीरियड अलग अलग थे, और भारत में मुस्लिम्स की रेड हुई और हिंदूज़ ने जब भी रहे तो हिंदूज़ ने मुस्लिम्स को क्रश किया, और मुस्लिम जब रहे तो उन्होंने हिंदूज़ को क्रश किया, ये दोनों कौम ऐसी हैं जो एक दूसरे के साथ कभी नहीं रह सकती। बिल्कुल समझ में आ गया सैयद अहमद खान को, बिल्कुल ठीक से समझ में आ गया कि हमारा हिंदू से अलायंस हो नहीं सकता, हिस्टोरिकली कभी नहीं हुआ, तो अब कैसे हो जाएगा, जबकि ये बात भूल गए कि अकबर के पीरियड में गंगा जमनी संस्कृति थी और आधे से ज़्यादा मनसबदार औरंगजेब के पीरियड में हिंदूज थे, मराठे थे और राजपूत थे। 500 साल तक राजपूताना और मुगलों की दोस्ती चल सकती है, दिल्ली सल्तनत और मुगलों की, सब कुछ चल सकता है, सब कुछ चला, क्यों नहीं हो सकता हिंदू मुस्लिम अलायंस, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन यह दिखाया गया कि नहीं हो सकता है, और उसका फायदा क्योंकि उनको तो अपना पॉलिटिक्स चलाना था ना, तो यह बेसिक रीजन है जिसकी वजह से यह समझा गया। तो जब भी राजनीतिक हित इन्वॉल्व हो जाते हैं तो सोसाइटी का ध्यान नहीं रखा जाता है, वही कुछ किया गया। तो यह जेम्स मिल हो गए, और जैसे मैंने नाम लिया कि थियोडोर मॉरिसन और बेक, ये सारे लोगों ने इसका मिस इंटरप्रिटेशन किया। इसके अलावा जो नेशनल मूवमेंट हो रहा है उसका नेचर कैसा है, इसको भी इंटरप्रिटेशन किया गया। जैसे विवेकानंद है भगवा पहन रहे हैं तो कहा गया ये तो हिंदू है, पक्का हिंदू है, वेदांती है, इसका मुस्लिम से क्या लेना देना। अरे भाई क्यों नहीं लेना देना है, हमको ये बताइए कि वेदांत का जो ब्रह्म है और कुरान में जो अल्लाह है उसमें कोई खास डिफरेंस है क्या? मुझे तो नहीं नजर आता। मधुशाला में क्या बोला है बच्चन जी ने, अलग अलग पथ बतलाते सब पर मैं एक बतलाता हूँ, राह पकड़ तू एक चला चल पा जाएगा मधुशाला। बहुत सारे रास्ते हैं ईश्वर को पाने के, कहीं से भी जा सकते हैं, वेदांत से भी जा सकते हैं, इस्लाम से भी जा सकते हैं, कहीं से जा सकते हैं, जहाँ जिसको ईमानदारी से निभा लें। तो बात इसमें यह है कि कुल मिलाकर के
कि जो विवेकानंद का कैरेक्टर है वो इस तरह से शो किया गया कि ये तो वेदांती है, इसका मुस्लिम से क्या लेना देना। अरविंद घोष ने भारत माता का कॉन्सेप्ट दिया, उसको बताया गया कुरान में माता नहीं। अरे भाई, ये दिखाया गया कि भारत माता का कॉन्सेप्ट एंटी मुस्लिम है। बहुत गहराई से समझने की बात है, वो एंटी मुस्लिम नहीं है। वंदे मातरम बोलने से इस्लाम को कोई खतरा नहीं। तो कुल मिलाकर के ये सारी चीज़ें हैं। कुछ बातें तो बड़ी गंभीर मैं कह रहा हूँ, आप अगर समझ पा रहे हो तो, कि ये सारी बातें जो बंगाल का मूवमेंट है, या जो गणेश महोत्सव है, या जो शिवाजी महोत्सव है तिलक का, या ये सारी चीज़ें जितनी हैं, इनको दिखाया गया कि ये हिंदू किंगडम बनाने की कोशिश हो रही है। तो जब ये दिखाया गया तो मुस्लिम्स मेजॉरिटी जो है मास, वो ब्रिटिशर्स के साथ आ गया। और जब ब्रिटिशर्स के साथ आ गया तो ब्रिटिशर्स ने धीरे धीरे करके उनको जो अपने फेवर में करने के लिए जो गवर्नमेंट की तरफ से जो भी उनको फ़ायदे हो सकते थे वो देने शुरू करें। और ये बात लगातार शुरू हो गई कि भाई इनको पॉलिटिक्स में इनका इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। अगर इनको तो अंग्रेज ये मुसलमानों ने क्या किया, पहले इन्होंने नौकरियाँ नहीं मांगी, पहले इन्होंने पॉलिटिक्स में अपना इन्वॉल्वमेंट मांगा। इन्होंने कहा हमें सत्ता दे दो, उसके माध्यम से हम नौकरियाँ ले लेंगे। इंग्लिश तो आज भी कम पढ़े हुए हैं, लेकिन उन्होंने सत्ता पहले मांगी। तो सत्ता मांगनी शुरू करी उन्होंने कि हमारा जो है गवर्नमेंट में हमारा रोल बढ़ाया जाए। तो ये सब तो चलता रहा मामला, लेकिन 1900 के आसपास बड़ी नाराज़गी खड़ी हो गई। अचानक अंग्रेज़ों से चिड़ पैदा हो गई। भाई क्या चिड़ पैदा हो गई, दिक्कत खड़ी हो गई। दिक्कत ये खड़ी हो गई कि देवनागरी प्रस्ताव लाया गया, और यूनाइटेड प्रोविंस में ये कहा गया था कि जो कोर्ट हैं वहाँ पर अब उर्दू नहीं यूज़ होगी, वहाँ पर हिंदी यूज़ होगी। देवनागरी का बड़ा प्रेशर था, तो इसीलिए वहाँ पर उर्दू यूज़ होगी। अब उर्दू यूज़ होगी तो इससे तो सब बड़े नाराज़ हो गए। तो ये समझ में आया कि अब मुस्लिम्स को एक अलग से अपनी एसोसिएशन बना लेनी चाहिए। तो ये जो एसोसिएशन बनाई गई, एंग्लो ओरिएंटल मुस्लिम एसोसिएशन बनाई गई, तो इस एसोसिएशन ने बाद में बनी एसोसिएशन, सैयद अहमद खान की तो 98 में डेथ हो जाती है, और उसके बाद सैयद अहमद खान के एक तरह से राजनीतिक उत्तराधिकारी ढाका के नवाब हैं सलीमुल्ला, तो उन्होंने इस चीज़ के लिए कोशिशें करी गई कि किस तरीके से मुस्लिम्स के लिए एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बनाया जाए। तो यहाँ से मुस्लिम लीग के फाउंडेशन पड़ना शुरू हुआ कि अब ये जो देवनागरी प्रस्ताव आया कि सारे के सारे काम अंग्रेज जो हैं वो हमारे फेवर में नहीं कर रहे हैं, तो अंग्रेजों से मोह भंग हुआ। और ये मोह भंग बाद में इतना ज़्यादा होगा कि लखनऊ पैक्ट में आप देखेंगे कि एंटी ब्रिटिश मूवमेंट शुरू हो जाएगा। तो अंग्रेजों से मोह भंग 1900 में होना शुरू हुआ, और ये जब 1900 में ये देवनागरी प्रस्ताव के बाद होना शुरू हुआ, और जब मोह भंग होना शुरू हुआ तब मुस्लिम लीग के फाउंडेशन की नींव पड़ी। तो ये इवेंट्स हैं जिन्होंने मुस्लिम लीग को बनाने का काम किया। तो एक तो एंग्लो ओरिएंटल मुस्लिम एसोसिएशन, दूसरी मैंने कहा कि एंग्लो ओरिएंटल मुस्लिम एसोसिएशन के साथ साथ जो हिंदी उर्दू कंट्रोवर्सी थी वो उसने भी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया। और जो अलीगढ़ की पॉलिटिक्स थी ये भी बड़ी इम्पॉर्टेंट थी। जैसा जो प्रोमिनेंट लीडर थे सलीमुल्ला, मोहसिनन मुल्क, और साथ में अंग्रेज भी हैं जैसे मिंटो के वॉइसराय हैं डनलप स्मिथ, और हार्डकोर्ट बटलर जिनके नाम पर एक इंस्टीट्यूट भी है HBTI, तो हार्डकोर्ट बटलर ये यूनाइटेड प्रोविंस के गवर्नर थे। तो इन सब लोगों ने मिलकर ऐसा माहौल क्रिएट किया कि जो मुस्लिम्स हैं उनको पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन दिया जाए। और इसी के बीच में एक काम हो गया, करजन ने बंगाल का डिवीजन कर दिया। बंगाल का डिवीजन हुआ और करजन ने कहा देखिए हम आपको पॉलिटिकल पावर दे रहे थे, आपके लिए अलग से प्रोविंस बना रहे थे, और इस बात में हिंदूस को बड़ी दिक्कत है। इतना बड़ा मूवमेंट खड़ा हो गया, और मूवमेंट ऐसा है कि उसमें गंगा नहा रहे हैं और राखी बांध रहे हैं, और गंगा नहा रहे हैं राखी बांध रहे हैं, और ऐसे काम कर रहे हैं जो सारे के सारे एंटी मुस्लिम हैं। ये जो बातें शो करी उन्होंने कि ये बातों से मुस्लिम्स को बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया कि जो पार्टीशन ऑफ बंगाल है इससे वो कन्विंस हो गए कि सच में ये हिंदू किंगडम ही बन रहा है, इसमें कोई नेशनल मूवमेंट जैसी चीज़ नहीं है। तो फिर वॉयसराय लॉर्ड मिंटो से प्रोमिनेंट 35 मुस्लिम्स का एक जो दल है, जो एक पूरा डेलीगेशन है वो मिलने गया शिमला में। उन्होंने कहा कि हमको एक पॉलिटिकली अलग जो है हमको जो हिंदू से अलग माइनॉरिटी के जो राइट्स हैं वो हमको दिए जाएं, और आप जब आगे रिफॉर्म्स आएँ तो उसमें हमारा ध्यान रखा जाए। तो अभी इसके बाद जब मिंटो मॉडल रिफॉर्म्स आएंगे तो उसमें ये जो वायसराय से मिलकर कहा गया है उसको बहुत ध्यान रखा गया, और पहली बार इंडिया में मिंटो मॉडल रिफॉर्म्स में कम्युनल रिप्रेजेंटेशन दिया गया, यानी कि ये सीट मुस्लिम सीट है,
सेपरेट इलेक्टोरेट है, सेपरेट इलेक्टोरेट का मतलब ये सीट मुस्लिम सीट है, यहाँ से केवल मुस्लिम ही लग सकता है, यहाँ से हिंदू जीत कर नहीं जाएगा। तो पहली बार इंडिया में पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूएंसीज को इस तरह से डिवाइड किया गया कि ये सीट मुस्लिम सीट है और यहाँ से कोई हिंदू लग करके नहीं जाएगा। तो वॉयसराय से जो डेलीगेशन मिला है वो शिमला में 1 अक्टूबर 1906 को मिला है और इसके बाद ये मुस्लिम लीग फॉर्म कर दी गई है, मुस्लिम लीग दिसंबर 1906 में फॉर्म कर दी गई है। तो 1906 में ये दो बड़े काम होते हैं, एक तो वॉयसराय से शिमला में मिलना और दूसरा मुस्लिम लीग का बनना। तो ये सारे फैक्टर्स थे जो मुस्लिम लीग को बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल थे।